हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता फैमिली। और मैं आज आपको उदयपुर लेके आई हूँ। उदयपुर का ये रिसॉर्ट है जिसका नाम है ओरिएंटल पैलेस ऑफ रिसॉर्ट। ये रिसॉर्ट में मेरे रहने का फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा। अब तक मैं होटल में स्टे करते आई हूँ लेकिन रिसॉर्ट का मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बनाना तो बनता ही है ना, आप लोग के लिए कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। जो सामने आप पार्ट देख रहे हो वो उधर से मेन गेट है, जहाँ आपको आपको कार खड़ी दिख रही है उसके सामने से ही आपका गेट है। ये सामने पूरा पार्किंग है, ओपन पार्किंग है पूरी। और ये पूरा रिसॉर्ट के सामने का एरिया है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम, क्योंकि होटल्स वगैरह रहते हैं आप अंदर जितना चाहे उनकी जगह हो लेकिन बाहर तो रोड ही रहती नॉर्मली, लेकिन ये एक जैसे बंगलो टाइप का है पूरा ये। और बाहर बहुत ही बड़ा स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है। और सबसे बड़ी बात कि विद स्विमिंग पूल भी है, इसमें स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है। ये देखिए बच्चों के लिए पूरा प्ले ग्राउंड है। मेरा बेटा देख लिया तो मस्ती करने पूरा मूड में आ गया है। अगर आप विद फैमिली जाते हो इस रिसॉर्ट में तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी अच्छी जगह है बैठने के लिए, सिटिंग एरिया भी इनका, मतलब इनके ग्राउंड में बहुत ही अच्छा, इनके जो पार्क वगैरह है बहुत ही अच्छा, सिटिंग एरिया इनका, प्लस फाउंटेन वगैरह बहुत ही अच्छा इनका बना हुआ है। और आगे कार पार्किंग का तो बहुत ही अच्छा, बच्चे खेल सकते हैं आराम से। अगर ओल्ड एज वाले भी लोगों तो वॉक कर सकते हैं। ये सामने देखिए इनका पूरा जो ये एरिया है पूरा ग्रीनरी है। और यहाँ पे टेबल चेयर भी आप बैठे मॉर्निंग टी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और राइट साइड में जो पूरा दिख रहा है ये पूरा बंगलो इनका, मतलब रिसॉर्ट है ये। इसके ये आउटर साइड में भी इनके रूम्स वगैरह हैं और अंदर भी रूम्स वगैरह हैं। लेकिन मुझे तो फर्स्ट टाइम वाकई बहुत अच्छा लगा रिसॉर्ट है। और जिसकी कुछ नेगेटिव बातें वो मैं लास्ट में बताऊँगी, पहले मैं इसकी पॉजिटिव चीज़ें बता देती हूँ। पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं कि बिल्डिंग बहुत ही अच्छे खासे, मतलब मैंने तो ये सोचा कि रिसॉर्ट वगैरह कोई आउटर एरिया में होगा ये उदयपुर के, लेकिन एकदम मेन सिटी के अंदर है। मतलब बिलीव नहीं कि इतने पॉश एरिया में इतना बड़ा रिसॉर्ट हो सकता है। और ये इसका रिसेप्शन पॉइंट है, एंट्रेंस एरिया है रिसेप्शन एरिया। और बगल में ये इनका किचन आइटम है, किचन किचन क्या बोल सकते हैं, ब्रेकफास्ट हम लोग ने यही किया था यहाँ पे। जैसे एकदम होम सी फीलिंग आती है कि आप घर के अंदर हैं। एक डाइनिंग टेबल को बड़ा हुआ लगा है और इन्होंने बोला कि आप यहीं सोफ़े पे ही ब्रेकफास्ट कर लो, तो हम यहीं सोफ़े पे ही ब्रेकफास्ट कर लिए। इडली सांभर ब्रेड ब्रेड जो भी आपको ऑर्डर करना आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का स्नैक्स आइटम होता है, आप जो भी बच्चों के लिए बोलेंगे दूध वगैरह सब आ जाएगा। अगर आप एग खाते हो तो एग भी आ जाएगा, एग से रिलेटेड कोई भी अगर आप बोलोगे तो बना देंगे। सर्विस इनकी बहुत ही अच्छी मुझे लगी, वेटर वगैरह इनके बहुत अच्छे। ये अंदर का है, ये रूम से जाने से पहले पीछे पड़ता है ये, हो सकता है फाउंटेन बार में चले, मैं जब थी तभी फाउंटेन नहीं चला था। ऊपर भी रूम्स हैं, एकदम राजे महाराजे जैसा फील आ रहा था। मतलब बंगला वाकई बहुत अच्छा बना, मुझे लगा बंगला ही है, बाद में रिसॉर्ट पर कन्वर्ट कर दिया होगा। और ये साइड साइड में रूम्स वगैरह, ये अंदर भी ऐसे टेबल चेयर लगी हुई है, आप अंदर ही बैठ के अपना खा पी सकते हैं या बातें कर सकते हैं अगर कुछ फैमिली के कई ग्रुप जाते हैं तो ठीक है। और ये वही जहाँ पे हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया था उसी के सोफे के जस्ट अपोजिट का एरिया, यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी हुई है। अगर आप रीडिंग के मतलब को करना बहुत पसंद है तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश हर टाइप की बुक है, आप रीड कर सकते हो। मैंने भी जो फेमस एक राइटर है चेतन भगत, उनकी बुक मैं देख रही थी। ये देखिए मैं पेज भी टर्न कर रही हूँ, जो मूवी आई थी टू स्टेट, ये वही बुक है मैं देख रही थी। काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स है, मतलब अच्छे अच्छे राइटर की बुक है। तो जो रीडिंग करने वाले हैं ना उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया स्पेस है। आपका पूरा रीडिंग, आप लाइब्रेरी से एक बुक उठा आराम से बैठ के इनके गार्डन एरिया में बैठ के आराम से बुक रीड करिए और इन्जॉय करिए पूरे ग्रीनरी का मज़े से। मतलब बहुत अच्छा लगा यार, इसलिए मैं इसका फुल वीडियो अक्सर मैं नॉर्मली रूम टूर का जो वीडियो था मेरा 3-4 मिनट ख़त्म हो जाता है, ये थोड़ा लंबा इसलिए बन गया क्योंकि मुझे इसका पूरा आपको दिखाना था व्यू कि ऐसा है। ये एंट्रेंस पे मैं खड़ी को दिखा रही हूँ, सामने ही ये आपका पूरा फाउंटेन पार्ट है, लेफ्ट साइड में प्ले ग्राउंड है एंड ये अब रूम स्टार्ट हो जाता है, रूम का इंटरनल पार्ट है। और ये दो रूम था, एक बाहर की तरफ एक बेड था। हम लोग बस अब जाने वाले चेकआउट कर रहे हैं तो सामान पैक ही कर रही, छोटी सी फ्रिज थी और एक अंदर सोफे जैसा बेड लगा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, प्राइवेसी मुझे नहीं दिखी। अब जैसे ये विंडो है, अब ये रिसेप्शन दिखता है बाहर से, तो प्राइवेसी थोड़ी कम है। और एक सोफ़ा था ये सामने दिख रहा है, ये स्टोर रूम टाइप का था। और मेरा बेटा जो स्टोर रूम के बगल में बाथरूम था, और बेटा मेरा ये इन्जॉय कर रहा है। मैं आपको एक ड्रॉबैक के बताती हूँ, इनका बाथरूम मुझे थोड़ा कम पसंद आया। तो कहते हैं ना एक सिलन सी स्मेल, जब भी रूम जैसे इन्होंने, हम लोग आधी रात को पहुँचे थे लगभग 10:30-11 बजे, जैसे इन्होंने रूम अपना खोला ऐसी स्मेल आई सिलन वाली ना कि अनकम्फर्टेबल। तो मेरे बच्चों को तो रूम नहीं पसंद आया ना मुझे पसंद आया, किसी ने बस रात गुजार ली, ठंड बहुत थी। और बाथरूम भी कोई खास नहीं था, मतलब बाथरूम में नहाने के लिए टब था
और वेस्टर्न टॉयलेट थी, लेकिन अनकंफर्टेबल चीज़ें थी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मुझे लगा। अब पता नहीं सकता कि मेरी पसंद थोड़ी अलग हो। और सब तो इनका मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्रेकफास्ट आइटम इनका बहुत अच्छा लगा, सर्विस माइंड ब्लोइंग है, और पूरा इनका जो आगे स्पेस है वो मुझे बहुत मस्त लगा। और ये अंदर का जो स्पेस है, ये आप देख सकते हैं अंदर का स्पेस कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है, कितना अच्छा सा दिया हुआ है। आप पूरा ब्रेकफास्ट आराम से 2 दिन फैमिली कर सकती है, और रिसेप्शन एरिया पे बैठ के भी आराम से आप बैठ के टाइम पास कर सकते हो। पूरा ओपन है, मतलब इतना कंफर्टेबल आपको फील होगा कि लगेगा जैसे अपने घर में ही है, होटल वाली फीलिंग आएगी नहीं। और रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल रेंज में ही। अगर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रेट में पड़ जाएगा, ऐसे अगर बुक करेंगे तो महंगा ही पड़ेगा आपको, इसलिए ऑनलाइन ही मैं सजेस्ट करूँगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, अगर वीडियो मेरा देखो तो देखा करो, साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि मैं अच्छे अच्छे ऐसी आपके लिए वीडियो लाया करूं और आप मेरी अच्छी अच्छी बातें सुना करो। तो ये मेरा रोम टूर कैसा लगा, होटल पूरा रिसॉर्ट का टूर, और ये थोड़ा मैं ब्रेकफास्ट आइटम का प्लेट कहाँ से ही आ गई बीच में, कोई बात नहीं, हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। ये क्या इसका ब्रेड पकौड़ा की आलू का था, बहुत टेस्टी लगा, हम लोगों ने कपा कप खा लिया, पूरा फिनिश कर दिया, सब लोग खाने बैठे हम लोग। और ये आगे की जर्नी के लिए हम लोग अब जा रहे हैं माउंट आबू, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा गाइस। बाय बाय।